हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपलीफाई योर ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर केयर रेमेडी। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि उसके बाल लॉन्ग हो, सिल्की हो, स्मूथ हो, एक हेल्दी हेयर चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है तो वो एक हेल्दी हेयर नहीं कहलाएंगे और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे, दिखने में बेजान मुरझाए हुए लगेंगे, हेल्दी हेयर नहीं लगेंगे। तो उसे हटाने के लिए हम एक आज एक नेचुरल रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ कि दो मुए बाल होते कैसे हैं, इसके रीजंस क्या है। तो इसके रीज़न बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दो मुए बाल होने के। फर्स्ट है कि ये आपके खान पान में भी डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके का फूड लेते हैं, उसमें भी डिपेंड करता है। सेकंड है धूप में ज़्यादा रहना। अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं, सन एक्सपोजर होता है आपके बालों में, तो उससे भी आपके स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। देन प्रदूषण की वजह से, जो भी पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी आपके स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। देन फोर्थ है बालों को ज़्यादा वॉश करना। अगर आप रोज़ बालों को वॉश करते हैं और फिर ऑयलिंग भी नहीं करते हैं, तो उससे आपके स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट है गर्म पानी से बाल धोना। अगर आप गर्म पानी से बाल धोते हो तो आज ही इसे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि गर्म पानी एक बहुत ही मेजर रीज़न है स्प्लिट एंड्स होने का। नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई भी बालों में हेयर ट्रीटमेंट कराई है, जैसे कि आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हो, हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हो, जो भी आपके बालों में हीट कर देता है ना, जिससे कि आपके बालों में हीट लगती है, उससे आपको स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। तो ऐसे सारी ट्रीटमेंट कभी कभार ही आप करिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी किचन में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही बन जाएगी और बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसके फर्स्ट यूज़ से ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पका हुआ केला, यानी कि राइप बनाना। बनाना में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, प्रोटीन, पोटेशियम एंड विटामिन्स होते हैं, जो आपके बालों को सॉफ्ट और नरिश करता है, आपके बालों में हाइड्रेशन और शाइन देता है। नेक्स्ट हमें चाहिए हनी। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो आपके बेजान मुरझे हुए बालों में जान डालता है और उसको मॉइस्चराइज करता है और आपके बालों में एक शाइन ऐड करता है। थर्ड हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके बालों को कंडीशन करता है और एलोवेरा जेल में विटामिन सी, ई, B12, फॉलिक एसिड होता है, जो आपके बालों को हेल्दी और सॉफ्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लीन बाउल। उसमें हम ऐड करेंगे राइप बनाना। हमें चाहिए आधा कटा हुआ बनाना। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग बनाना लीजिए और इस रेमेडी को आप बनाइए, क्योंकि अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप उस हिसाब से बनाना को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा बनाना। उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी, फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। अब इस सारे इंग्रेडिएंट को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस मिक्सचर को फ्रेशली हमें अप्लाई करना है। अगर आप चाहो तो आप पूरे बालों में भी इसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ नीचे के स्प्लिट एंड्स में ही लगाना है, तो जहाँ पर भी आपके स्प्लिट एंड्स है वहाँ पर इस मिक्सचर को आपको अच्छी तरह से अप्लाई करना है। एक एक स्ट्रेंथ को लेके अच्छी तरह से अप्लाई करना है और इसे 20 मिनट तक आपको इसे अच्छी तरह से रखना है। फिर आप क्लीन वाटर से इसे वॉश कर दीजिए। ये रेमेडी आपको लगातार वीक में 2 बार तो करनी ही है। फिर आपको जब रिज़ल्ट मिलेंगे तो आप वीक में 1 बार कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ये आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बनाना, हनी और
एलोवेरा जेल ये तीनों ही आपके बालों के लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।